चलिए, अब अभ्युदय योजना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों भाई? मैं रविंद्र सिंह, आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इसमें बेनिफिट हो रहा है ना आप लोगों को? कुछ बेनिफिट हो रहा है? तैयारी हो रही है? 13 जून नज़दीक आ रहा है, ठीक है? चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी देखते हैं कि कितना, जितना अधिक से अधिक होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है? बाकी और भी चीज़ अपने एंड से भी आप लोग तैयारी करते रहो। यहाँ जो पढ़ा जा रहा है वो तो पढ़ते ही रहिए और भी करते रहिए। करंट अफेयर वगैरह ध्यान दीजिए, 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है? इसको आप पढ़ते रहिए। तो भारत का भूगोल यानी भौतिक भूगोल, देखो इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको हिंट कर देते हैं, कुछ आप स्वयं पढ़ लीजिए, है ना, और कुछ हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो 2 मिनट में ब्रीफ आपको करते हैं कि और आपको अपनी तरफ से क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक है? और हम आपको स्रोत भी बता देंगे कहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है? तो इसमें एक तो आप भारत का भौगोलिक परिचय ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, भौगोलिक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भौगोलिक परिचय, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इस परिचय में क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो भारत में जो, जैसे हमारा इंडिया है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखो जैसे क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के निवासी हैं, 0 डिग्री के नॉर्थ में रहते हैं, और हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हैं, पूर्वी दुनिया, पूर्वी गोलार्ध के निवासी हैं। और इसका क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का जलवायु कैसा है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर 23.5 यहाँ से जाता है, याद आ रहा है आप लोगों को, कर्क रेखा कितने राज्यों से, याद कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता इसको पता है, ठीक है? तो इतना क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल, क्या होता है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है? हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। तो भारत की जलवायु इस कटिबंध के आधार पर तो उष्ण और उपोष्ण हो गई, कैसी हो गई, उष्ण और उपोष्ण, और साथ में मानसून आता है तो कैसी हो गई, उष्ण उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, उष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ठीक है? ऐसे आप ध्यान कर लोगे तो 2 कटिबंधों में हम लोग हैं, ठीक है? अब यहाँ से जो 82.5 डिग्री पूरब होता है वो कितने राज्यों से जाता है, ध्यान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देख लीजिएगा, भारत की कोस्टल बाउंड्री देख लीजिएगा, ये काम आप कर लेंगे, है ना, इतना आप काम कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री बनाता है, है ना, पता है आप लोगों को, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और फिर हमारी जो ये स्थलीय सीमा है, कौन कौन से कंट्री हमारे पड़ोसी हैं और भारत के कौन कौन से राज्यों से बाउंड्री बनाते हैं, ये काम आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर। बांग्लादेश का क्वेश्चन बन जाता है, बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्यों से बाउंड्री बनाता है, और बांग्लादेश इस बार इम्पोर्टेंट भी है, हमारे PM वहाँ पर यात्रा के लिए गए हुए हैं, क्या क्या समझौते हुए हैं, ठीक है, वो सब आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? म्यांमार से सीमा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना काम आप लोग ज़रूर कर लेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन वाला, एक बार आप देख लीजिएगा, कोई भी बेसिक बुक होगी आपके पास उसमें दिया हुआ है, इतना काम कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा इसका हम लोग, तो ये तो हमारा एक सामान्य इंट्रोडक्शन इंडिया का हो गया, इसके बाद इसका हम लोग भौगोलिक संरचना, इसको हम समझा देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं, भारत की भौगोलिक संरचना, भूगर्भिक कह सकते हो, भूगर्भिक कहो, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, अंग्रेजी में इसको कहेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है? मतलब इसका ये होता है, भारत की जो धरती है, जो भूगर्भ है, वो किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, चट्टानों से, रॉक से बना हुआ है, तो आंसर आया रॉक्स। अब मुद्दा ये कि भारत में कौन कौन सी रॉक्स हैं, कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं,
किस रॉक की क्या विशेषता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब आप देखो, वैसे अगर हम लोग बात करें तो जो रॉक होती हैं, चट्टाने, वो तो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। आग्नेय चट्टानों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आग्नेय चट्टान अगर हमें किसी क्लास में टाइम मिला तो ज़रूर बता देंगे। ठीक है, जैसे आग्नेय चट्टाने हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे भी रहती है, क्रस्ट के बाहर भी रहती है। जो क्रस्ट के बाहर होती है उसको बेसाल्ट कहते हैं, और जो नीचे है वो उसमें आप ग्रेनाइट पढ़ते होंगे। फिर नीचे जो चट्टानें होती हैं उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे सिल, डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, नाम सुना है? ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बैथोलिथ का क्वेश्चन पूछा गया UPSC में, आप ध्यान रखिएगा इसको, ये काम आप करते जाइएगा। औसादी चट्टानें कैसे बनती है? हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती है ना, अच्छा आग्नेय चट्टानों को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें। अब जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं उनका इरोजन और सेडिमेंटेशन जब होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं। इरोजन यानी अपरदन, अपक्षय पर्दन और निक्षेपण, तीन टर्म होते हैं। क्या होता है? अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इसको इंग्लिश कहते हैं वेदरिंग, इरोजन और सेडिमेंटेशन। तो जब इन चट्टानों का वेदरिंग, इरोजन और सेडिमेंटेशन होता है तो क्या बनता है? अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब अपक्षय क्या होता है? वेदर से बना हुआ है, वेदरिंग, वेदर से, वेदर मतलब मौसम, तो मौसम के प्रभाव से जब कोई चट्टान कमज़ोर हो जाती है तो उसको वेदरिंग कहते हैं, और टूट जाती है तो इरोजन कहते हैं, और इरोजन के पश्चात जो सेडिमेंट यानी मलबा बनता है उसको एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है तो वो निक्षेपण हो जाता है, सेडिमेंटेशन। ओके, तो ये बन जाती हैं अवसादी। अब अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने होंगे, इसके लिए आपके पास अगर लूसेंट की भी किताब होगी GK की तो उसमें लिस्ट दी है, उतना पढ़ लोगे एग्जाम्पल वहाँ से आपको मिल जाएंगे, इतना काम आप करते जाइएगा। जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है ना, सेडिमेंट्री का। सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री का। चौक, चौक जिससे लिख रहे हैं ये सेडिमेंट्री में आते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों चट्टाने अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं तो वो कायांतरित या रूपांतरित हो जाती हैं। कैसे स्वरूप चेंज करती हैं? टेम्परेचर और प्रेशर। जब इस पे जैसे यहाँ पर कोई आग्नेय है, आग्नेय, औषादी, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, इस पर एक टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये अपना स्वरूप चेंज करेंगी और तब बनेगी कायांतरित या मेटामॉर्फिक, कायांतरित या रूपांतरित भी कहते हैं। तो किसकी वजह से ये हो जाता है? ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रॉक्स अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट अगर एक इग्नियस रॉक है तो ग्रेनाइट अपना स्वरूप चेंज करेगी, क्या बना लेगी? एक कायांतरित, नाम होगा नीस, क्या होगा? नीस। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। तो नीस इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल औसादी से अगर हम लोग लें तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पर जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो अपना स्वरूप चेंज करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? मार्बल, मार्बल, संगमरमर। तो संगमरमर कैसी चट्टान है ना, किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है? औसादी में, औसादी में किसका? लाइम स्टोन का। जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जब अपना स्वरूप चेंज करता है तो बनता है क्वार्टजाइट, क्या बनता है? क्वार्ट, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो वो भी एक मेटम, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक चट्टान का एग्जाम्पल देगा, कहेगा ये किस प्रकार की चट्टान है,
आपको पहचानना आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, लूशन की बुक में एक लिस्ट दी है उसको उठा के याद कर लीजिएगा, इतना काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कायांत्रिक चट्टान दोबारा अपना स्वरूप चेंज कर सकती है, फिर से स्वरूप अपना चेंज कर सकती है, तो उसको पुनर्रूपांतरण भी कहते हैं, इसकी भी लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, इतना काम आप कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखें तो भारत में कौन सी हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो इंडिया में औषधि भी मिलेंगी, कायांत्रित भी मिलेंगी और ए भी मिलेंगी। तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पुरानी और सबसे नई चट्टानें सब कुछ मिलता है यहाँ पर इंडिया में। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें और नवीनतम चट्टानें दोनों इंडिया की धरती में पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो रॉक्स हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग ढंग का होता है, उसके लिए आपको याद करना है आर्कियंस, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, विंध्यन गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, फिर यहाँ पर डेक्कन प्लेटू आ जाता है, डेक्कन, और फिर आता है टर्सरी, और फिर आता है क्वार्टरनरी। तो भारत में चट्टानों का ये क्रम है, इंडिया की धरती पर ये चट्टानें मिलती हैं भारत में, ठीक है। तो इसमें ओल्ड ये हैं, ओल्डेस्ट रॉक हैं, और ये नवीन हैं, ठीक है, भारत की धरती पर। तो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें क्या कहलाती हैं, आर्कियंस रॉक्स। इंडिया की प्राचीनतम चट्टानों को क्या कहते हैं, आर्कियंस रॉक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको हम समझा देते हैं चीज़ें, क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर। देखो सबसे पुरानी, इसको आप बना लो, ठीक है, याद कैसे करोगे, ए डी के वी जी टी क्यू और बीच में डेक्कन, ठीक है, ए डी के वी जी टी क्यू और बीच में डेक्कन, ठीक है, ए फॉर आर्कियंस, डी फॉर धारवाड़, के फॉर कुडप्पा, वी फॉर विंध्यन, जी फॉर गोंडवाना, डी डेक्कन, टी टर्सरी, क्यू क्वार्टरनरी, ये क्रम है इसका। तो भारत की सबसे नवीन टर्सरी क्वार्टरनरी ये दोनों को हम नवीनतम चट्टाने बोलते हैं, और सबसे पुरानी आर्कियंस हैं। ये क्रम लगाने के लिए आ जाए तो ये आपके लिए मदद करेगा, ओके। डेक्कन के बाद टी, टी फॉर टर्सरी और क्यू फॉर क्वार्टरनरी, ठीक है, टर्सरी और क्वार्टरनरी, ये चट्टानें भारत की धरती में पाई जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ नहीं, वो तो पहले हुआ, ठीक है, अभी बताएंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखें, आर्कियन चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, और आर्कियन सबसे पुरानी है। तो आर्कियन चट्टानें कहाँ पर मिलेंगी भारत में, जो पोर्शन भारत का सबसे पुराना है, ठीक है, और भारत का सबसे पुराना पोर्शन है दक्षिण भारत, है ना। तो जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपी पठार है, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पर आपको आर्कियंस मिलेंगी सबसे पुरानी। हाँ, ये हिमालय का जो बेस है, आधार, वहाँ भी मिलेंगी आर्कियंस, ठीक है। और आर्कियंस ये ग्रेनाइट रही होंगी पहले, लेकिन बहुत पुराना है तो इन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। तो भारत की आर्कियंस चट्टानें नीस के फॉर्म में हैं, किस फॉर्म में हैं, नीस। तो भारत में आर्कियंस चट्टानें किस फॉर्म में हैं, नीस। और अभी अभी हमने आपको समझाया नीस
एक कायांत्रिक चट्टान होती है। ग्रेनाइट अपना स्वरूप चेंज करता है तो क्या बनता है? नीस। तो भारत में जो आर्कियंस रॉक्स हैं वो किस रूप में हैं? नीस के फॉर्म में हैं। जैसे एग्जांपल आप लिखना चाहो तो बुंदेलखंड नीस, बंगाल नीस, पश्चिम बंगाल में जो चट्टान है वो नीस, बंगाल नीस बोला जाता है, और बुंदेलखंड रीजन में जो पाई जाती है उसको बुंदेलखंड नीस कहते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी नीस कौन सी है? बुंदेलखंड नीस। ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा नोट करते रहोगे, अगर आपको सुनने से याद रहता तो। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता है? दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये प्राइमरी रॉक्स हैं, तो दो इसकी अवधारणाएं हैं। ये कहा गया कि जब ये बना तो उस समय इस धरती पर जीव जंतुओं का विकास नहीं हुआ था, एक तो ये हो सकता है। दूसरी अवधारणा है कि अगर जीव जंतुओं का विकास हुआ भी था और उसके ग्रेनाइट इसमें जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं, ये इग्नियस ही हैं एक्चुअल में, तो जब वहाँ पर ज्वालामुखी फटा होगा तो जो भी फॉसिल्स, जो भी जीव जंतु होंगे वो जल के राख हो गए होंगे, उनके अवशेष बचे ही नहीं होंगे, तो इस वजह से इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। ओके, और अब देखो जो आर्कियंस चट्टाने हैं इसमें परतें नहीं पाई जाती, ये विदाउट लेयर की होती हैं, ठीक है, ये परतदार नहीं है, ठीक है। अब आप देखो भारत में पहली परतदार चट्टाने धारवाड़ हैं। इंडिया की सबसे पुरानी परतदार चट्टाने कौन सी है? धारवाड़ चट्टाने हैं, ठीक है। ये कैसे बनी? आर्कियंस चट्टानों के इरोजन, बेदरिंग इरोजन और सेडिमेंटेशन से क्या बनी? धारवाड़। तो धारवाड़ सबसे पुरानी परतदार चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री होगी ना। अब आप देखो इसके बाद जितनी भी ये सब सेडिमेंट्री हैं, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। तो अब धारवाड़ से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं कि धारवाड़ का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है, पूरा हिस्ट्री, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना समय भी नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन पे हिट करेंगे, ठीक है। तो धारवाड़ बेसिकली साउथ इंडिया से एक टर्म लिया गया है, ये धारवाड़ जिला है, ठीक है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, बट वो सब नहीं पूछेगा। आप धारवाड़ चट्टान में एक पॉइंट तो ये नोट कर लो, भारत की सबसे पुरानी परतदार चट्टान है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिए अरावली माउंटेन में धारवाड़ रॉक्स पाई जाती है, अरावली माउंटेन में धारवाड़ रॉक्स पाई जाती है, और दूसरा जो इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पीसीएस पूछ भी चुका है, उसमें ये बनता है कि भारत की कौन सी चट्टाने मिनरल्स रिच हैं, खनिज से संपन्न है, वो यही है। भारत की सर्वाधिक खनिज संसाधन किसमें मिलते हैं? धारवाड़ रॉक्स में मिलते हैं। तो वो मिनरल्स कौन कौन से? जैसे लोहा, सोना मतलब आयरन, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, ये सब यहीं पर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की कौन सी चट्टाने जो मिनरल रिच हैं, खनिज संसाधनों के लिए जानी जाती हैं, कौन है? धारवाड़, ठीक। तीसरी कुड़प्पा से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा विंध्यन से नहीं बनेगा, सीधे आओ गोंडवाना में। गोंडवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, ये कोयले के लिए जानी जाती है, ठीक है, फेमस फॉर कोल रिजर्व। इंडिया का 98% कोल रिजर्व, किसी बुक में 96 भी लिखा है, लेकिन 98 है ना, कोल रिजर्व किस में पाया जाता है? गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है, 98% लिख लीजिएगा, कई किताब में 96 भी मिल जाएगा, बट 98 लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 98% देकर पूछा गया था, ठीक है। तो
तो सबसे ज़्यादा कोयला भारत में गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है। और आप देखेंगे कि भारत में कोयला कहाँ, जैसे झारखंड में, रानीगंज में, है ना, तो वहाँ पर कौन सी रॉक्स पाई जाएंगी, गोंडवाना रॉक्स मिलेंगी। हाँ, वहाँ भी मिलेंगी, मतलब कई राज्यों में फैली हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा कि कहाँ कहाँ फैली है, अभी तक ऐसा नहीं बना PCS में, ठीक है। तो इसलिए उतना ज़्यादा हम डिटेल में ना जाएं, चूँकि टाइम भी थोड़ा सा कम है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद डेक्कन, तो डेक्कन प्लेटू को भी हम अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन डेक्कन प्लेटू में एक बात आप जान लो, डेक्कन प्लेटू ये बना कैसे था, ये बना था ज्वालामुखी के इरप्शन से, वॉल्केनिक है, और ये क्रिटेशियस पीरियड में बना था। कब बना था, क्रिटेशियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटेशियस पीरियड में जो ज्वालामुखी आया था, फिशर इरप्शन, क्या हुआ था, फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन कब हुआ था, ये क्रिटेशियस पीरियड में। तो हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ये यहाँ पर दरार पड़ गई थी, दरार पड़ने से बहुत सारा मैग्मा बाहर निकलकर आया था, और ये यहाँ पर फैल गया था लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर में ये फैल गया था, ठीक है। तो वहाँ पर ये धीरे धीरे जम गया और बन गया दक्कन का लावा प्लेटू, ठीक है। तो कब बना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कैसे बना, फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन, ठीक है। ज्वालामुखी दो तरीके से फटता है, एक सेंट्रल इरप्शन और एक फिशर इरप्शन। इसको हम लोग समझेंगे जो जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि फिशर इरप्शन कब होता है और सेंट्रल इरप्शन कब होता है। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करें, तो दो प्लेट्स जब टकराते हैं आपस में, ठीक है, दो प्लेट्स जब टकराते हैं, तो इसमें एक होता है हल्का, डेंसिटी कम होता है, हल्की प्लेट, और एक होती है भारी, और जब इनका टक्कर होता है तो भारी प्लेट नीचे आ जाती है, नीचे चली जाती है, इसका सबडक्शन होता है, भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है, ठीक है। और इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये प्लेट क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, ये प्लेट फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और जब ये नीचे जाती है तो पृथ्वी में नीचे टेम्परेचर बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद ये नष्ट हो जाती है। और अब ये मैग्मा चेम्बर नीचे होता है, जहाँ मैग्मा भरा होता है, वहाँ पर मैग्मा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो ये ऊपर ऐसे उठता है, और ये फोर्स क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और चूँकि ये मुड़ गई थी, फोल्ड हो गई थी, इसलिए कमज़ोर हो गई, और इसको तोड़ के ये बाहर आ जाता है, और इसको कहते हैं सेंट्रल इरप्शन। क्या हो जाता है, सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी। तो जब ये केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी हुआ, तो ये कब होता है, दो प्लेटों के कोलिजन से, टकराने से, और इसको कहते हैं, अब इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट मोशन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मोशन। तो जहाँ पर दो प्लेटों में कन्वर्जन होता है, वहाँ पर क्या आएगा, कैसा ज्वालामुखी आएगा, केंद्रीय उद्गार वाला, सेंट्रल इरप्शन, बहुत प्रेशर के साथ इसको तोड़कर बाहर आएगा, इसको कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी, ठीक है। तो कब आएगा, जब दो प्लेटों का कन्वर्जन होगा, तब आएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया गया है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा तो समझ ही सकते हैं। और देखो, और चीज़ यहाँ पर समझ लो, जब ये फोल्ड हुआ, ये प्लेट फोल्ड हुआ, तो ये बन गया फोल्डेड माउंटेन। क्या बना, फोल्डेड माउंटेन,
और हमारा भारत में हिमालय ऐसे ही बना है, अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन, तो जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन होता है वहाँ पर ज्वालामुखी आने की संभावना होती है। तो ये फोल्डेड माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन की चोटियों पर ज्वालामुखी भी दिखेंगे। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो, ये हमारा एंडीज पर्वत, यहाँ पर एंडीज, तो एंडीज पर्वत, ये जब प्लेट इधर मूव की इधर, और ये हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसका दोनों का कोलिजन हुआ, तो जो महासागरीय प्लेट होती है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो भारी होने की वजह से नीचे घुस जाती, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट इसके नीचे जाएगी, और ये जो हमारी प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हल्की होती है, तो इसका किनारा क्या हो जाएगा, इसके प्रेशर से फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड हो जाएगा तो ये किनारे मुड़ जाएगा और बनेगा यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन जिसका नाम है एंडीज। एंडीज, तो एंडीज कैसे बना, क्वेश्चन पूछा गया, आइए इसमें आया क्वेश्चन, एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो दो प्लेटों के कन्वर्जन से, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आप देखो, जब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट इसके नीचे चली गई, नीचे घुस रही है इसके नीचे, तो नीचे वो मैग्मा चैम्बर में मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, और वो मैग्मा यहाँ पर प्रेशर से इसको क्या करेगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा, तो इस एंडीज पर्वत पर कई ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, जैसे एंडीज पर्वत पर एक ज्वालामुखी क्या, एकांका गुहा, एकांका गुहा, ठीक है। दूसरा ओजास डेल सेलेडो, ओजास डेल सेलेडो, ठीक है, और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, ये सब क्या है ज्वालामुखी, कैसे आए, सेंट्रल इरप्शन, कैसे सेंट्रल इरप्शन हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। और आप ये भी पढ़ते होंगे कि एंडीज पर्वत की हाईएस्ट पीक एकांका गुहा है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांका गुहा, किस कंट्री में पड़ेगी, अर्जेंटीना में, ठीक है। और ये ना केवल एंडीज की हाईएस्ट पीक है बल्कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, सदर्न हेमिस्फीयर की हाईएस्ट पीक है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बना देगा, ठीक है, इस समझ में आ गया ना आप लोगों को। ऐसे आप देखेंगे रॉकी माउंटेन होगा, ऐसे हिमालय भी बना, हम लोग हिमालय की चर्चा अभी करेंगे। अब एक चीज और समझो, ये हो गया सेंट्रल इरप्शन, एक होता है फिशर इरप्शन। तो होता क्या कि जब कोई प्लेट, दो प्लेट होती हैं और ये एक दूसरे से दूर जाती है, ऐसे अंदर से फोर्स लगता है किधर को और एक इधर को, तो ये प्लेट यहाँ से क्या हो जाती है ना, डाइवर्जन, तो बीच में क्या हो जाएगी, गैपिंग, और इस गैपिंग से क्या होगा, अंदर का जो मैग्मा है वो निकल के बाहर आ जाएगा। क्या इस मैग्मा ने इसको बीच से तोड़ा है क्या, नहीं, सेंट्रल इरप्शन नहीं है, ये फिशर इरप्शन है। तो फिशर इरप्शन कब होता है, जब डाइवर्जन होता है दो प्लेटों में, तो जहाँ पर डाइवर्जन होगा वहाँ पर क्या होगा, फिशर इरप्शन। डाइवर्जन को हिंदी में कहते हैं अपसरण, अपसरण, और कन्वर्जन को अभिसरण कहते थे हिंदी में, ठीक है, ये तरीका हो सकता है। अब आप हमें ये बताओ कि इसमें किसी प्लेट का क्या कोई नुकसान हुआ है, नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अंदर से जो मैग्मा आया है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया और इसने कुछ नया बना दिया, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको इस किनारे पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी रचनात्मक किनारा, ठीक है। और जो इसके पहले बताया था उसमें एक प्लेट का विनाश हो गया था, तो उसके क्या क्या हो गए, विनाशात्मक किनारा, है ना, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर कैसे ज्वालामुखी आते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं, और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पर कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, फिशर वाले। एक तरीका और भी हो सकता है जो इंडिया में हुआ था, कि ये एक ही प्लेट क्रैक हो जाती है, तो उसको कहेंगे अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, है ना, तो इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक इरप्शन,
इसमें दरार पड़ गई। तो ये घटनाएं कब हुई? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में ये जो हमारी क्रस्ट ये कमज़ोर थी और ये जगह जगह पर क्रैक हो जाती थी, जिसकी वजह से मैग्मा निकल के बाहर आ जाता था और क्या बनता था? पठार, ज्वालामुखी पठार। तो ऐसे ही दक्कन का लावा पठार बना, ऐसे ही पराना परागवे का पठार बना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पठार बने हैं इस धरती पर जो क्रिटेशियस पीरियड में बने हैं। किसके द्वारा? फिशर इरप्शन के द्वारा, ठीक है। तो डेक्कन वाला याद रखिएगा। अब हम लोग जो टर्शियरी और क्वार्टरनरी चट्टाने हैं ये आज भी बन रही हैं, ठीक है, और ये काफ़ी मुलायम चट्टाने हैं और यहाँ पर ये मिट्टी के फॉर्म में हैं और यहाँ पर खेती भी होती है, कृषि कार्य भी होता है। तो चट्टान जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड ही हो, सॉफ्ट भी होती है, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, तो आज बेसिकली टॉपिक मुझे यही पढ़ाना था, भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में भारत को 5 भागों में बांटा गया है, किसी किसी बुक में 4 भी लिखा रहता है, वो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, पहला है प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पठार, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। दूसरा पेनिनसुलर प्लेटू, और ये कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू इसको कहते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपी पठार। दूसरा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, है ना, तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तीसरा उत्तर भारत का बृहत मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का बृहत मैदान। चौथा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। और पांचवा है आइलैंड, द्वीप। तो भारत को इतने भागों में बांटा गया है, द्वीपीय प्रदेश, ठीक है, और द्वीप हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, ठीक है। तो भौतिक दृष्टि से भारत को इतने भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि सबसे पहले भारत कौन सा आया। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना है, शुरुआत में इस धरती पर एक ही महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको पेंजिया कहा जाता था, ठीक है, पेंजिया, ये था पेंजिया। और पेंजिया में बीच बीच में छोटे छोटे सागर भी थे, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सागर, महासागर था, जिसने इस पेंजिया को घेर रखा था। और इस बहुत बड़े महासागर का नाम था पैंथालौसा। तो ये था पेंजिया और ये था महासागर पैंथालौसा। तो सबसे पुरानी धरती कौन थी? पेंजिया। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी 2014 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है, कि सबसे पुरानी धरती का नाम क्या था? पेंजिया, ठीक है। और ये पेंजिया जो है ना, ये वैगनर ने बताया था, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि एक ही धरती थी सबसे पहले, वो था पेंजिया। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जीएस में कि महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में पूछा गया था, प्रीलिम में आया था कि महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो नाम लिख लोगे आप, अल्फ्रेड वैगनर,
ठीक है, इन्होंने ही बताया था ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि क्रिटेशियस, ये जो हमारा कार्बनिफेरस जो टाइम आया ना, जिस काल में इस धरती पर कोयला बना था, कोयला जो आज हम यूज करते हैं ये कब बना था? कार्बनिफेरस में, क्वेश्चन आता है। तो कार्बनिफेरस काल में क्या हुआ, ये पेंजिया बीच से टूट गया, ब्रेक हो गया, और जब ये टूटा तो बीच में एक दरार पड़ी और पैंथालासा का पानी इसके बीच में इंटर कर गया और एक नया सागर जन्म लेता है और उस सागर का नाम था टेथिस सी। तो टेथिस सी बन गया, टेथिस सी के नॉर्थ में पेंजिया जो था वो लॉरेशिया कहलाया या अंगारा लैंड कहलाया, और जो साउथ में है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये गोंडवाना लैंड जुरैसिक पीरियड में टूटना शुरू हो गया और ये टूट टूट कर ये पूरा बट गया, इसी से बना हमारा अफ्रीका, इसी से बना हमारा दक्षिण अमेरिका, इसी से बना हमारा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत किसका पार्ट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गोंडवाना। तो गोंडवाना से बना क्या, प्रायद्वीपी पठार, और यही सबसे पुराना है, गोंडवाना से बना। कैसे बना, जब इससे अफ्रीका अलग हुआ और अफ्रीका से ही कुछ हिस्सा कट के साउथ इंडिया बन गया, तो हमारा जो साउथ इंडिया है ना वो अफ्रीका का पार्ट है, और अफ्रीका किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो फाइनली हमारा जो साउथ इंडिया है वो किसका पार्ट हो गया, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ से इंडिया वाला पोर्शन यहाँ से कट के अलग हुआ, तो ये इधर चला गया ऐसे कट के, ठीक है। तो जब ये इधर, तो इधर से क्या हुआ होगा, यहाँ पहले एक फॉल्ट हुआ होगा, फॉल्ट से ये ऐसे कट गया और ये अलग हट गया, तो हमारा भारत कुछ इस तरीके से यहाँ पर अस्तित्व में आया, साउथ इंडिया। अब ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ से पहले ये इधर अटैच था, तो यहाँ से बीच में एक फॉल्ट हुआ होगा, भ्रंश फॉल्टिंग हुई होगी और ये कट गया और अलग हो गया, ऐसे चला गया मूव करते हुए यहाँ आ गया। तो अब आप देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ऐसे खड़ा कगार है, ये यहीं से जुड़ा था, इसे कट के अलग हो गया, तो ये क्या है, एक स्कार्प लैंड है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये जो वेस्टर्न घाट है ये वास्तव में क्या है, ये एक स्कार्प लैंड है, ठीक है, भ्रंश की कगार, ये खड़ी कगार है जो यहाँ से ऐसे कट के अलग होने का प्रमाण है। और जैसे ही ये कट के अलग हुआ तो यहाँ पर एक नया सागर ओपन हुआ जिसको कहते हैं अरेबियन सी, अरब सागर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बना। अब आप देखो, जैसे यहाँ गुजरात की चट्टानें, उधर केन्या की चट्टानें एक ही जैसी है, इसका मतलब ये पोर्शन पहले यहाँ जुड़ा था, ये इसको प्रूव किया गया है, ओके। तो ये हमारा जो प्रायद्वीपी भारत है किससे बना, क्या लगाओगे आंसर, अरे गोंडवाना लैंड ऑप्शन में ना हो, अफ्रीका दे दे तो लगा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आप देखो, ये बना, इसके बाद इसका जो इस, तो यहाँ से इंडिया भी निकल आया ये, ठीक है, ये ऊपर क्या होगा, टेथिस सी, तो यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यूरेशिया, अंगारा लैंड के टूटने से क्या बना, यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया बना। अब यहाँ से कुछ नदियाँ गिरती थी टेथिस सागर में, प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ टेथिस सागर में गिरती थी, और टेथिस सागर ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये नैरो था, नैरो सकरा था, सकरा देख रहे हैं, बहुत चौड़ा नहीं है और बहुत गहरा भी नहीं था, ठीक है, तो सकरा और उथला था, और सकरे और उथले सागरों को जियो सिंक्लाइन कहा जाता है, इसलिए टेथिस सी को टेथिस जियो सिंक्लाइन भी बोला जाता है, टेथिस भू सन्नति। तो टेथिस सागर को हम क्या कहेंगे, टेथिस भू सन्नति। तो ये टेथिस जियो सिंक्लाइन है टेथिस सी। इन नदियों ने क्या किया, ये नदियाँ इसमें गिर रही हैं, इन नदियों ने अपने साथ मिट्टी उट्टी बहाकर लाई, इसमें डिपॉजिट करती रहीं, और डिपॉजिट करते करते ये एक दिन क्या हो गया, पूरा का पूरा डिपॉजिट करके इसको भर दिया गया, ठीक है।
फिर क्या हुआ, आगे की क्रिया क्या हुई, हमारी जो इंडियन प्लेट है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि इंडियन प्लेट नॉर्थ को शिफ्ट हुआ, आज भी हो रहा है, नॉर्थ को शिफ्ट हो रहा है। और जैसे ही ये नॉर्थ को शिफ्ट हुआ तो ये जो तेथी सागर का सेडिमेंट था, ये परत दर परत चट्टाने बन गई होंगी ना, औषादी औषादी चट्टाने, नदियों ने यहाँ पर डिपॉजिट किया, ठीक है, तो यहाँ परत दर चट्टाने इसमें बनी होगी। अब इसके दबाव से ये और ये इधर से एक है यूरेशिया, तो इसके दबाव से ये बीच में सैंडविच बन गया, क्यों ही है ना, तो इधर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये ऐसे ऐसे करके मुड़ गया और ये एक मोड़दार पर्वत बना और इसी को कहते हैं हिमालय, ठीक है। इसके पीछे कुछ और भी थ्योरी हैं, कोवर का एक जियो सिंक्लाइन थ्योरी भी है, वो भी हमें समझना चाहिए, लेकिन चूँकि समय थोड़ा कम है इसलिए इसको हम नहीं समझेंगे, केवल प्लेट टेक्टोनिक से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर बना हिमालय, हिमालय बना, हिमालय कैसा है, मोड़दार पर्वत, कैसे बना, दो प्लेटों के कन्वर्जन से। कौन सी दो प्लेट है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट इसमें भारी है, यूरेशियन प्लेट हल्की है, ठीक है। इंडियन प्लेट, देखो प्लेट दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशिनिक प्लेट, मतलब महाद्वीपी प्लेट और महासागरी प्लेट दो होती है। तो इंडियन प्लेट महाद्वीपीय की महासागरी, ये महासागरी प्लेट है, ठीक है, ये हिंद महासागर जो है ना इसी प्लेट का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इंडियन प्लेट एक महासागरी प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशियन महाद्वीपीय है। तो महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरी प्लेट भारी होती है, तो जब इसका टक्कर हुआ, इसका कोलिजन हुआ, तो इंडियन प्लेट हिमालय के नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। तो जब इंडियन प्लेट नीचे जाएगी, तो अब आप देखो जब इंडियन प्लेट इसके नीचे जा रही है तो होगा क्या, धीरे धीरे इंडियन प्लेट जब नीचे चली जाएगी तो जहाँ हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का जो मैदान है तो वो भी तो इस हिमालय के नीचे चला जाएगा। तो एक दिन हम लोग का ये जो कानपुर जो शहर है ये सब चला जाएगा, लेकिन अभी तक गया क्यों नहीं, जानते हो इसमें क्या है। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लेट जब इसके नीचे जा रही है तो जहाँ हम लोग रहते हम लोग भी इसके नीचे चले जाएंगे एक दिन, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जानते हो क्यों नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखो समझो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने सुनी होगी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसमें क्या होता है, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे, हमने ले लिया ये केंद्र से, इसको हमने काट लिया, तो ये पोर्शन कहलाता है क्रस्ट, और ये दूसरा मेंटल, तीसरा कोर, ठीक है। अब आप देखो ये जीरो से लेकर ये 63731 नहीं कि कितनी होती है 63700, ये इतने किलोमीटर है, तो 6000 यानी 6300 है ना, नहीं 6000 नहीं ज़्यादा लिख गया, ठीक है 63000 ही होता है, नहीं 63600, वैसे नहीं हम लोग पढ़ते थे 6400, तो 63 करके कुछ है, ठीक है 6300 ऐसे इतना किलोमीटर, तो इसको अप्रॉक्स कितना हम लोग ले लेते थे 6400 किलोमीटर। हम लोग जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हल करते थे कुमार मित्तल वाले 12th में, तो पृथ्वी की रेडियस कितनी रखते थे 6400 किलोमीटर, वही तो है ऊपर से लेकर केंद्र तक की दूरी ये है ना, तो एग्जैक्ट कितनी है 6371। तो इसके तीन पार्ट हो जाते हैं क्रस्ट मेंटल और कोर। अब आप देखो इस क्रस्ट के दो हिस्से, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के डेंसिटी में अंतर है, तो इसके बीच में कुछ पोर्शन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग कोनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा,
इसको थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। होता क्या कि जब हमारी इंडियन प्लेट ऐसे टकराएगी तो जानते हो कौन, ये हमारा जो ऊपरी हिस्सा ये नहीं जाएगा, लोअर क्रस्ट उसके नीचे इंटर कर रही है, तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के ऊपर वाला हिस्सा इंटर नहीं कर रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे इंटर कर रहा है, तो बाकी हम लोग तो रहते हैं इसमें ऊपर वाले पर, तो हम लोग सही सलामत रहेंगे, हम लोग हिमालय के नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। फिर यहाँ पर एक इसमें डिसकंटिन्यूटी और होती है जिसको क्या कहते हैं, मोहो, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, नहीं सुना, ये क्वेश्चन कई बार आया, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल, कौन सा क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। और एक यहाँ पर होती है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, वो होती है मेंटल और कोर के बीच में, कौन सा मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर, ये आपका, ये तीन आप याद रखिएगा, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला तो पूछा ही गया है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ पर हिमालय का मामला, ठीक है। तो पहले बना हमारा प्रायद्वीपी पठार, फिर बना हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, तो सबसे पुराना प्रायद्वीपी भारत, सेकंड नंबर पर हिमालय क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब हिमालय बन गया, अब हिमालय पूरा, जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक सब बन गया, तो उस हिमालय की चोटियों से कुछ नदियां निकली, ग्लेशियर बने, ग्लेशियर पिघले और नदियों ने जन्म लिया, और वो नदियां बहते हुए आ रही हैं, और जब ये यहाँ पर हिमालय खड़ा हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक खड्ड बन गया, और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उसी खड्ड में गिरना शुरू हुई, और उस खड्ड को हिमालय से आने वाली नदियों ने भर दिया सेडिमेंट से, और वो खड्ड भर के बराबर हो गया, ठीक है, एक एक बहुत बड़ा डीप हो गया था, है ना, फोर लैंड डीप उसको कहते हैं, और उसमें नदियां गिरी और उन्होंने उसको भर दिया और बन गया उत्तर भारत का मैदान। तो मैदान जो बना है वो तीसरे नंबर पर बना है, तो सबसे पुराना भारत ये, ठीक है, फिर हिमालय और फिर उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, इस तरीके से ये संरचना का निर्माण हुआ। तो हिमालय कैसे बना, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछें, हिमालय का जन्म किससे हुआ, तो आंसर क्या लगाओगे, तेथिस सागर, क्वेश्चन आता है ना, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का जन्म किससे हुआ, तेथिस सागर से, ठीक है, तेथिस जियो सिंक्लाइन से, ठीक। अब हम लोग इसको वन बाई वन करके समझते हैं भाई, ठीक है, वन बाई वन करके इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश में क्या पढ़ना है और क्या क्वेश्चन बनेगा, इन चीजों को हम लोग देखो। तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश यहां पर हम लोग समझेंगे, पर्वतीय प्रदेश, इसके दो पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय, दूसरा हिमालय। हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
यहाँ पर आपको ऐसे ट्रांस हिमालय दिखेगा, ये, और इसके नीचे आपको हिमालय दिखेगा, ये। तो तीन सीरीज आपको ट्रांस हिमालय में और तीन सीरीज आपको हिमालय में। तो ये तीन सीरीज है ना ऊपर जो रेड कलर से बनाई है हमने, ये हैं ट्रांस हिमालय की, ये काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ठीक है। तो इधर चूंकि जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये वाली क्या है, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जांस्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। अब एक हम लोग पढ़ते हैं कैलाश पर्वत, तो कैलाश भी ट्रांस हिमालय में आता है, और वो है इसका लद्दाख का ही पार्ट है, ऐसे करके इधर एक शाखा बन जाती है, तो उसको कहते हैं कैलाश, कैलाश हिमालय, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश रेंज। इसके नीचे ये जो तीन हैं ये हिमालय में आती हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, दूसरे वाले को मिडिल या लघु या हिमाचल, तीन नाम है, मिडिल, लघु या हिमाचल, और ये है शिवालिक, शिवालिक, ठीक। तो इस तरीके से हमारा उत्तर भारत का ये जो हमारा पर्वत है इसमें दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रांस और हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय में तीन हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, लेकिन एक शाखा लद्दाख भी है। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश, ये चारों किस्में आ जाएंगी ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक किस्में आएंगी हिमालय में, ठीक है। पीर पंजाल इसमें आएगी हिमालय में, लघु हिमालय में, ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। पीर पंजाल एक्चुअल में एक श्रेणी है लघु हिमालय की, है ना, मिडिल हिमालय की। मिडिल हिमालय में कई श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिबा, रीवा, बहुत सारी श्रेणी को एक समूह है, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय पर, दो तीन बातें। ग्रेटर हिमालय नीचे, उसके बाद मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को लघु भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक को बाह हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम है, ये आप ध्यान रखें। अब इसमें कुछ एक पॉइंट है जो आपको मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम है इस पर है K2, तो K2 अब पड़ेगी लद्दाख में, ठीक है। पहले हम बोलते थे जम्मू कश्मीर में, अब आज की डेट में वो लद्दाख वाला हिस्सा हो जाएगा। तो K2 जो होगी यहाँ पर कहीं पड़ेगी काराकोरम में। अब देखो ये सीरीज हमने ऐसे बनाई, ये जानते हो कैसे होंगी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली है तो ये इस तरीके से ऐसे फैली होगी, तो इसमें ये क्या होगी, चोटियाँ और ये बीच में घाटियाँ। तो इसमें से एक काराकोरम में मान लो K2 है ये वाली, ये, और K2 ये सबसे ऊंची है, तो काराकोरम, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। और इसको हम भारत का सर्वोच्च शिखर भी कहते हैं, बट पाकिस्तान कहता मेरा है क्योंकि वो POK में पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते नहीं मेरा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और कहाँ है, काराकोरम में, कौन से हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब आप देखो इसमें कुछ ग्लेशियर भी हैं, काराकोरम सीरीज पर कुछ ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन, नाम लिख सकते हो, अगर पता है तो ठीक है और नाम नहीं पता है तो लिख सकते हो, सियाचिन, बालटोरा, बियाफो, हिस्पर, ठीक है, बालटोरा या बालटोरो, बालटोरा, बियाफो, हिस्पर,
ये कुछ ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर किस पर है? ट्रांस हिमालय में। किस पर? काराकोरम सीरीज में पड़ते हैं। ठीक है, कौन सी? अच्छा, हो सकता है मुझे वो, ठीक है, हो सकता है। अच्छा अच्छा, हो सकता है। अब इसके बाद आप देखो, ये जो ट्रांस हिमालय है और यहाँ से हिमालय शुरू होगा, तो इसमें ये वाला एक सेपरेटिंग जोन है और इसको कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन। सचर जोन। तो सचर जोन किसके किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में। तो ट्रांस हिमालय में कौन सी सीरीज? जांस्कर। और यहाँ पर कौन सी सीरीज? ग्रेटर। तो इसके बीच में क्या है? सचर जोन। ठीक है, और तो ये यहाँ पर कुछ सेपरेटिंग जोन भी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक यहाँ पर भी है, ये इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस जगह यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और यहाँ पर भी एक मेन बाउंड्री फॉल्ट, पीछे दिख रहा है क्योंकि छोटा हो गया थोड़ा सा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट मैं यहां लिख देता हूं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। और मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में है? मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। ये सेपरेट कर रहे हैं इन सीरीज को, ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब जी क्या चीज़ यही होगी क्लास? यहाँ पढ़ाने में बड़ी असुविधा होती है, बड़ी दिक्कत है। कुछ पूछ रहे किसको? इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसके किसके बीच में? तो ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक, इसके बीच में है मध्य हिमालय और शिवालिक। चलिए बात नहीं करो, अब हम लोग थोड़ा सा ग्रेटर हिमालय के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा उसी पर फोकस करते हैं हम लोग। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जैसा कि आप जानते हो ये सबसे ऊंचा है और इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। तो इसकी चोटियां कौन कौन सी हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला, पहले ये जान लो और फिर इसकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं, ऐसे फैला हुआ है। अच्छा, वैसे अगर हम लोग देखें हिमालय ऐसे करके यहाँ से हेयर पिट लेकर ऐसे आता है। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है चाप के आकार में और ये यहाँ से हेयर पिन टर्न लेता है और ऐसे आ जाता है। तो इधर जो क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये कहाँ से निकल रहा है? ये पामीर, कहाँ से निकलता है? पामीर, ये पामीर हो गया। और यहाँ से भी निकलते हैं इधर की ओर, जिसको हिंदू कुश
किरथर सुलेमान के नाम से जानते हैं, हिंदकुश अफगानिस्तान में, किरथर सुलेमान इसका एक्सटेंशन है पाकिस्तान में, किरथर सुलेमान, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ऐसे उसने अपनी भुजाओं को फैला दिया, ऐसे फैला हुआ है हिमालय। तो इधर वाला हिंदुकुश और इधर वाला हिमालय, ठीक है। अब यहाँ से और भी सीरीज निकलती, जैसे ये जाती कुनलुन, कौन सी है, कुनलुन, इधर से और जाती तियन शान, क्या नाम उसका, तियन शान, ऐसे करके फैले हुए। अब इसके बीच में क्या है, तिब्बत का पठार, क्या है, तिब्बत का पठार। इसको आप एटलस जरा आप देखिएगा, घर में होमवर्क करिएगा, ये है तिब्बत का, क्वेश्चन पूछा गया तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, ये क्वेश्चन आया। तो तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, वो पठार जो पर्वतों के बीच में है उसको कहते हैं अंतर पर्वती पठार, क्या बोलते हैं, अंतर पर्वती। तो तिब्बत का पठार कैसा है, इंटर माउंटेन प्लेटू, कैसा है, इंटर माउंटेन प्लेटू, अंतर पर्वती, अंतर पर्वती पठार। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हिमालय कहाँ से निकला हुआ है, तो क्या कहोगे, पामीर। तो इसको पामीर की ग्रंथि कहते हैं। तो ये ग्रंथि क्या होती है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से पर्वत, बहुत सारी पर्वत की जो सीरीज है वो निकलती है, या बहुत सारी पर्वत सीरीज एक जगह पर आकर ज्वाइंट हो जाती है, तो उसको पर्वत ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो दो पर्वतों के बीच में गिरा हुआ कैसा पठार, अंतर पर्वती पठार। तो ऐसे अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे एक आपने पढ़ा होगा तारिम बेसिन, तारिम बेसिन हमने आपको पढ़ाया था एक दिन, क्या पढ़ाया था उसके बारे में, एक लोकल विंड चलती है तारिम बेसिन में, काराबुरान, काराबुरान नाम की एक लोकल विंड चलती है मध्य एशिया के तारिम बेसिन में, पढ़ाया हमने, आप याद करो। तो तारिम बेसिन यहाँ मिलेगा तियन शान कुनलुन के बीच में, तारिम बेसिन कहाँ पड़ता है, चाइना, चाइना रीजन में, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो, तो आइए हम लोग बात करते हैं हिमालय पर, ठीक है। तो ये यहाँ से भारत में कहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पर है भारत में एक पर्वत चोटी है और एक इधर है तिब्बत में इस जगह, ये तो ग्रेटर हिमालय, इसका नाम है नामचा बरवा, इसका नाम क्या है, नामचा बरवा, आप एटलस में देख सकते हो। अब यहाँ पर जितना संभव हो रहा है उतना मैं बना के बता रहा हूँ आपको, नामचा बरवा, और इधर एक चोटी है जिसको कहते हैं नंगा पर्वत। तो ग्रेटर हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है एक चाप के आकार में, आर्क नुमा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या हो जाएगा, छोटी नंगा पर्वत, और ईस्टर्न कौन सी हो जाएगी, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है, तिब्बत में, और वो कहाँ है, अब लद्दाख में आ जाएगी, है ना, जम्मू कश्मीर में थी और ये तिब्बत में हो गया। इसके बीच में भी तो कई चोटियाँ होंगी, ये ऐसे ऐसे करके फैला होगा। तो यहीं पर आप देखोगे कहीं पर माउंट एवरेस्ट होगी तो वो नेपाल में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, कंचन जंगा, मकालू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, धौलागिरी, धौलागिरी,
फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, पीछे दिख पा रहा है, नीचे ज्यादा हो गया, अन्नपूर्णा, इसके बाद नंदा देवी, और इसके बाद नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये ग्रेटर हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं जो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में हमने बनाई है। इसको रट लो, एक क्वेश्चन आएगा तो यहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की वो चोटियां जो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट और सबसे कम ऊंची नामचा बरवा, इसको आप याद कर लो। यहां लिखें क्या, यहां लिखें हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है, इसको आप याद कर लोगे, यही क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये कौन कहां पर हैं, ये भी पूछता है। तो अब जरा बताओ आप लोग मेरे साथ, ये कौन कहां पर हैं। माउंट एवरेस्ट तो हम सभी जानते हैं, नेपाल हो गया, ठीक है। कंचनजंगा पूछा जाता है, ये इंडिया में है, सिक्किम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर K2 ऑप्शन में ना हो तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, अगर K2 ऑप्शन में ना हो तो, और सिक्किम में पड़ती है, ये भी आता है। मकालू और धौलागिरी ये नेपाल में है, ये नेपाल में है, मकालू और धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है। ये अभी अभी आपको बताया था, इधर नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ये कहाँ बताया था अभी हमने, लद्दाख में, तो कहाँ हो गया, इंडिया में। तो नंगा पर्वत कहाँ हो गया, भारत में, ठीक है। और अन्नपूर्णा फिर नेपाल में है, नेपाल, और नंदा देवी उत्तराखंड में, तो इंडिया में, और आप देखते हैं नामचा बरवा तिब्बत, याद हुआ, इसको बना लो ऐसे करके। बना लिया आप लोगों ने, इसको आप रट जाइएगा, है ना। अब देखो इसका एक कोड बना लो, ठीक है, इसको हटा दें। अब ये देखो इसको कैसे याद करो, देखो एवरेस्ट को याद करो या ना करो तो पता ही है सबसे ऊंची है और ग्रेटर हिमालय में है, तो उसको आप छोड़ दो, यहाँ से आप याद करो, यहाँ से कोड बनाओ, ठीक है। तो KM का DNA, ठीक है, KM का DNA, तो ये का यहाँ पर कनेक्ट कर लो, KM का DNA, ठीक है। नंदा के नाम, किसके नाम, ठीक है, याद हुआ, KM का DNA नंदा के नाम हो गया। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ठीक है, और फिर नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा और नंदा के नाम, नाम मतलब नाम चाहिए, ठीक है, याद हो गया। तो टेंशन खत्म हो गई आपकी, K
KM का DNA नंदा के नाम। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रेटर हिमालय की चोटियां जरा बता दो घटते क्रम में, तो KM का DNA नंदा के नाम, बात खत्म। ठीक है, याद करना। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर कुछ पासेस हैं, दर्रे, कुछ दर्रे हैं पासेस। अब ये दर्रे कैसे बनते हैं, देखो जैसे मान लो ये पर्वत ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, और बीच से ये कटा हुआ है, ऐसे शो किया जाता है एटलस में, ये दर्रे हैं। तो अगर हमें ए से बी पे जाना है तो इस पर्वत को ऊपर चढ़ के जाएंगे कि यहाँ घुस के, है ना। तो अब यहाँ जब आना जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक रोड बना दें, और अगर इधर भारत इधर चाइना तो दोनों का रोड बना के हम लोग व्यापार करने लगे। तो दर्रों का प्रयोग किस में करते हैं, रास्ते के रूप में, ठीक है, व्यापारिक मार्ग बना लेते हैं इन दर्रों के माध्यम से। तो दर्रों का यूज है, तो जब हम लोग के संबंध अच्छे होते हैं तो मार्ग खोल दिया, लड़ाई हुई बंद कर दिया, है ना। जैसे जब चाइना संबंध अच्छे होते हैं तो हम लोग नाथुला पास खोल लेते हैं, और जब खराब होते हैं तो कहते हैं बंद, अब नहीं आ सकते, ठीक है। तो बड़ा अच्छा काम है ये। तो ये बनते कैसे, इनको बनाया किसने होगा, ये नेचुरल होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, कभी नदी यहाँ बह रही होती है, नदी बह रही होती है तो नदी ने क्या किया, इसको काट रखा था, ठीक है, और वो नदी अब सूख गई। तो जब पहले नदी यहाँ चलती थी, अब वो सूख गई, तो अब हम चलेंगे, बात करता हूँ, तो रास्ता बना लिया, ओके। तो नदी इसे बना सकती है, कभी कभी ग्लेशियर भी बनाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, और वो पर्वत को काटते रहते ग्लेशियर ख़त्म, और कटा हुआ रास्ता हमें मिल जाता है। तो ग्लेशियर ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो जो दर्रा बहुत ऊंचाई पर होते हैं वो ग्लेशियर से बने होते हैं, और जो कम ऊंचाई के होते हैं वो नदी से बनते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से पासेस बनते हैं, या तो ग्लेशियर या तो रिवर के द्वारा। अब इसी प्रकार हिमालय में कुछ दर्रे हैं, ग्रेटर हिमालय में। दर्रा बताने से पहले एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम लोग दर्रे पे वापस आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और समझो, जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत में तीन नदियाँ, इंडस, सिंधु, अरे इंडस को ही सिंधु कहते हैं, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, एंटीसीडेंट कैसी हैं, एंटीसीडेंट रिवर, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा चुका है। भारत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो क्वेश्चन आया निम्न में से कौन सी नदी भारत की पूर्ववर्ती है, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन था, ठीक है। तो तीन पूर्ववर्ती नदियां हैं ये, एंटीसीडेंट रिवर, इसका मतलब होता है ऐसी नदी जो पर्वत के बनने से पहले बह रही थी, पर्वत के बनने से पहले पूर्ववर्ती, पर्वत से पहले। तो जैसे मान लो कि कोई एक नदी इस ग्लेशियर से निकल रही और ऐसे बहते हुए जा रही है, ठीक है। अब नदी ने तो अपना रास्ता बना रखा था, अब एक यहाँ पे हमारी धरती की जो भूगर्भ है उसने कहा कि एक काम करते हैं, नदी का रास्ता रोकते हैं और हम यहाँ पर बनाते हैं एक पर्वत। तो यहाँ पर एक माउंटेन बनना शुरू हुआ, लेकिन माउंटेन सडन नहीं बनता है, स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। मान लो कि एक साल में 1 सेंटीमीटर उठा, तो 1 सेंटीमीटर उठा और नदी ऐसे बनाते हैं, ज़रा ये यहाँ से एक नदी आ रही थी,
कुछ चौड़ाई की नदी होगी। इसने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इसको काट दिया और नदी आगे निकल गई, लेकिन साइड में 1 सेंटीमीटर उठ गया। अब 1 करोड़ साल से ऐसे ही हो रहा है, तो 1 करोड़ सेंटीमीटर इधर और 1 करोड़ सेंटीमीटर इधर और बीच में 1 करोड़ सेंटीमीटर नीचे, आगे समझ में? तो ये क्या बन गया, गॉर्ज। क्या बन गया, गॉर्ज। और स्वरूप चेंज होगा तो कैनियन हो जाएगा, जैसे आपने सुना होगा ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, अमेरिका में, कौन सी नदी, कॉलोराडो। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ है, अमेरिका में, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर। कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। तो कैनियन गॉर्ज ये कैसे बनती है, ये इरोडेड लैंड फॉर्म है, कैसा है, अपरदित स्थलाकृति नदी बनाती है, कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र में। ये भी हमारे सिलेबस में है कि कैनियन कैसे बनती है, इरोडेड होती है कि सेडिमेंटेशनल होती है, जैसे अंधी घाटी क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। पेटरनोस्टर लेक्स क्या होती है ना, सर्क क्या होता है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पढ़ाने को, देखेंगे, ठीक है। चूँकि मई में मेरी क्लास केवल 7 हैं, 2 आज खत्म, दूसरी आज खत्म हो रही, 5 और हैं अप्रैल में, देखते हैं। तो ये क्या बना दिया इसने, गॉर्ज। ये नदी पहले बह रही थी कि ये पर्वत बाद पहले बना था, इस पर्वत से पहले नदी बह रही थी, तो ये नदी इस पर्वत से पहले बह रही है, ये पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है। कैसी है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट रिवर की पहचान क्या होती है, जो नदी किसी पर्वत को काटकर गॉर्ज बनाती है वो नदी उस पर्वत के लिए क्या होती है, एंटीसीडेंट। तो सिंधु ने गॉर्ज बनाया, सिंधु गॉर्ज। सतलज ने बनाया, सतलज गॉर्ज। ब्रह्मपुत्र ने बनाया, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो ये गॉर्ज जो नदी बनाएगी वो क्या होगी, आगे समझ में, गॉर्ज कैनियन, सब क्लियर मामला, ठीक है। अब यहाँ पर पासेस है कुछ दर्रे, तो कुछ दर्रों के नाम हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं जो ग्रेटर हिमालय में हैं। तो इसमें जैसे बुर्जिल और जोजीला दर्रा, तो दर्रे नदियों ने बनाए होंगे, कुछ ग्लेशियर ने बनाए होंगे, जोजीला और बुर्जिल पास, ठीक है। दूसरा बारालाचाला, सिपकीला, बारा, वैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को। अब हम आपसे पूछेंगे पता है तो क्या जानते हो, बारालाचाला, सिपकीला, सिपकीला पास, सिर्फ ग्रेटर हिमालय में है, सिपकीला पास और थांगला, नीति, लिपुलेक, थांगला, थांगला, नीति, लिपुलेक, बहुत सारे दर्रे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लिपुलेक, इसकी लोकेशन आप एटलस में ढूंढोगे, थोड़ा सा होमवर्क करो आप लोग, ठीक है। नाथूला, जेलेपला, नाथूला, जे लेप ला, ये कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, ये कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, ये आप लोग बता दो मुझे, ठीक है। मैचिंग आती है, टाइम हो गया, हाँ हाँ बताओ, मुझे टाइम हो गया।
बिल्कुल हाँ हाँ ठीक है, ये दोनों सिक्किम में है, ठीक है। अब ये लद्दाख में हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर रखते थे, लेकिन अब जो डिवीज़न हुआ है, ठीक है। और ये हिमाचल में, एग्जैक्टली। और ये ठीक है, तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 दर्रे आपने यहाँ पर देख लिए, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में है। और कौन किस स्टेट में है ये, हालांकि दर्रों से और भी क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, लेकिन पहले स्टेप में तो आप ये जानो हैं कहाँ, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग लघु हिमालय में, ये इतना ही इसमें पढ़ना था, ठीक है। अब लघु हिमालय में कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको समझो। पहली बात तो ये जानो कि जो लघु हिमालय है ये एक सीरीज नहीं है, ये कई सीरीज का एक ग्रुप है। तो इसमें जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, रीवा, ये सब श्रेणियां हैं और इन्हीं के ग्रुप को कहते हैं मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में ये सब सीरीज आती हैं, इन सीरीज का समूह होता है मध्य हिमालय, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, एक क्वेश्चन आया था कि कश्मीर वैली किसके किसके बीच में है। तो जैसे ये रहा हमारा ग्रेटर और ये रही हमारी पीर पंजाल, इसके बीच में है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। तो ये हो गया हमारा पीर पंजाल और ये हो गया ग्रेटर हिमालय। तो आपको दिख रहा है ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में क्या बनती है, कश्मीर वैली, ठीक है। तो इसमें और भी घाटियां हैं, जैसे आपने सुना होगा काठमांडू की घाटी, ठीक है। तो काठमांडू की घाटी ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पड़ती है और वो नेपाल में पड़ेगी, ठीक है। काठमांडू, तो कश्मीर घाटी, काठमांडू, काठमांडू की घाटी। कांगड़ा कुल्लू, ये भी आप इसी में पड़ेगी, कांगड़ा कुल्लू। तो कांगड़ा कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा वैली, कांगड़ा घाटी, कुल्लू की घाटी, ये हिमाचल में और ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। अब इसमें यहाँ पर दो दर्रे फेमस हैं इसमें लघु हिमालय में, एक है पीर पंजाल और एक है बानिहाल, बानिहाल पास। पीर दो दर्रे यहाँ पर लिख लोगे, पीर पंजाल श्रेणी भी है और पीर पंजाल दर्रा भी है, ठीक है। और बानिहाल, बानिहाल पास के बारे में कुछ आप लोग बताओगे क्या, सुना है बानिहाल पास के बारे में कुछ, एक सुरंग आपने सुनी होगी, कौन सी, कौन सी, और बताओ एक, कौन सी, जवाहर, ठीक है। वो कहाँ पे है, इसी के पास में है, बानिहाल के पास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है, जितने भी उत्तर भारत के हिल स्टेशन हैं,
वो सब मध्य हिमालय पर पड़ते हैं। तो उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी जो हिल स्टेशन हैं वो सब कहाँ पर हैं? लघु हिमालय या मिडिल हिमालय पर, जैसे शिमला, जैसे नैनीताल, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है, और भी नाम रानीखेत, ठीक है, जितने भी उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ के जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब लघु हिमालय पर हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, शिमला किस श्रेणी पर है? तो शिमला है तो लघु हिमालय पर, बट लघु हिमालय की कौन सी श्रेणी पर, ऐसा भी क्वेश्चन आया। तो धौलाधर पर है। शिमला किस पर बसा हुआ है? धौलाधर। अगर आप शिमला जाएं घूमने तो आप क्या कहोगे गर्व के साथ, मैं मध्य हिमालय पे घूम रहा हूँ। क्यों भाई? और मध्य हिमालय पे कौन सी? धौलाधर सीरीज पर घूम रहा हूँ। क्यों भाई? तो शिमला धौलाधर सीरीज पर बसा हुआ है। तो हिल स्टेशन जितने भी हैं सब यहीं पर हैं और वो हेल्दी हैं, स्वास्थ्यवर्धक है। नाम चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, जिसको ना पता हो, जिसको पता है ठीक है, नाम लिख लो। चक्राता मंसूरी, लिखो चक्राता मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा रानीखेत, अल्मोड़ा, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी कहाँ है? डलहौजी कहाँ है? हिमाचल, दार्जिलिंग, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक। इसके बाद इसमें एक चीज़ और समझना है, इसका जो स्लोप है ना, जो देखिए जैसे इधर को ऐसे है, ये लघु हिमालय है ना, ये लघु हिमालय, तो लघु हिमालय का एक स्लोप इस तरफ होगा और एक स्लोप इस तरफ, इस तरफ वाला स्ट्रीप है, तीव्र है, खड़ा है, और इधर वाला ढाल मंद है ना, जेंटिल है, इधर स्ट्रीप है और इधर जेंटिल है, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो जो साउथ वाला है वो स्ट्रीप है, तीव्र ढाल है, ठीक है, तो इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है और जो उत्तर की तरफ वाला ढाल है वो जेंटिल है, वो मंद ढाल है, ठीक है। और जहाँ पर मंद ढाल है वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने पेड़ पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे? कोणधारी, कैसे होंगे? कोनीफेरस, शंकुधारी, या तो शंकुधारी दक्षिण में होंगे उत्तर में, तो उत्तर में होंगे, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय के नॉर्थ स्लोप पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? कोनीफेरस, शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाएंगे। और इसमें इन्हीं ढालों पर जो उत्तरी ढाल है ना, इसी, ये चूंकि जेंटिल है, ऐसे तीव्र नहीं है, जेंटिल है, तो बीच बीच में इसमें घास के क्षेत्र भी मिलते हैं। तो इन घास के क्षेत्र को जानते हो क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार, ठीक है, और भी एक नाम है इसको, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं और कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तो ये मर्ग क्या है और बुग्याल और पयार क्या है? बुग्याल और पयार, तो उत्तराखंड में इन्हें कहा जाता है बुग्याल या पयार और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। ये क्या है? घास के मैदान है, ठीक है, इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये घास के क्षेत्र हैं कश्मीर में, ओके। तो मर्ग और बुग्याल पयार क्या है आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब और ये शिवालिक से किससे अलग है और इससे किससे अलग, वो पहले ही बता दिया, ठीक है। ये मेन बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर थ्रस्ट, ये थ्रस्ट और फॉल्ट है ना, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा लघु हिमालय। अब बचा है शिवालिक, शिवालिक बचा अब बाद में, कल वाले, अगले लेक्चर में, ठीक है।